जंग अब सीमा पार इजिप्ट यानी मिस्र की तरफ भी फैलता जा रहा है। जिस तरह से इसराइल और मिस्र के सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ, कैजुअल्टी हुई, उससे तो यही लगता है। और बिगड़ते हालात को देखकर अब यूएन ने भी एक और इमरजेंसी बैठक बुला ली है। नमस्कार, मैं हूं मधुवेंद्र कुमार और आप देख रहे मेरे साथ रणनीति। आज चर्चा रफा की इसलिए क्योंकि रफा में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से इसराइल के हमलों ने रफा में भारी संख्या में कैजुअल्टी को अंजाम दिया है, और ये इस वक्त का जो खूनी संघर्ष है वो इजिप्ट बॉर्डर को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इसराइल और इजिप्ट के फोर्सेज के बीच में जिस तरह का खूनी संघर्ष हुआ उसमें भी कई इजिप्ट के सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जो अपने आप में अप्रत्याशित है, क्योंकि अभी तक जंग का जो पूरा मैदान था वो दरअसल गजा था और वो फैलते हुए रफा की तरफ आया था। और एक तरफ देखें तो हिजबुल्ला भी लेबनान से लगातार इसराइल पर हमले जारी रखे हुआ है, यानी टू फ्रंट वॉर की स्थिति से जूझता इसराइल दरअसल अपने आप को गजा में समेटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बीच इजिप्ट के साथ थर्ड फ्रंट भी खुलता नजर आ रहा है, जो कि इस वॉर को पूरे अरब की तरफ लेकर जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच रफा में हालात बेहद गंभीर हैं, क्योंकि इसराइल की सेना लगातार आसमान से ज़मीन पर और अपने टैंकों के जरिए ज़मीन से ज़मीन पर जो हमले कर रही है उसमें निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं, कुछ इस कदर मारे जा रहे हैं निर्दोष लोग, जिसके चलते नेतन्याहू को भी बैकफुट पर आकर माफ़ी तक मांगनी पड़ी है। हालात इतने गंभीर हैं कि इस पर नज़र यूरोप की है, नेटो की है, अमेरिका की है, यूएन में खुद देखा जाए तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो इमरजेंसी बैठक को लीड कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई बड़ा असर कहें तो इस वक्त भी इसराइल पर पड़ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल की सेना पूरी तरह से रफा में जिस तरह के हमलों को अंजाम दे रही है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि कितनी जल्द से जल्द इस जंग को समेटने की जल्दबाजी में दरअसल नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बैकफुट पर उनकी स्थिति साफ तौर पर अगर देखें तो इसराइल के होम ग्राउंड पर है, जहां लोगों का एक तरह से हम देखें तो नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह और प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। और ऐसे में नेतन्याहू की कोशिश है कि रफा में हमास को पूरी तरह से समेट दिया जाए। हम जानते हैं कि रफा वो इलाका है जो कि एक तरफ से इजिप्ट से, दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। ये वो इलाका है जहां हमास सबसे ज़्यादा सुदृढ़ है, ये वो इलाका है जहां पर हमास के लड़ाके सबसे ज़्यादा इस वक्त देखें तो दरअसल इसराइल की सेना के लिए नाको चने दम कर रहे हैं। और इस वक्त के हालात में हम देखें तो दरअसल जो उनका टनल नेटवर्क है उस पर इसराइल की सेना लगातार फंस रही है, और वहाँ पर उनके खिलाफ अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाके जो हैं वो खूनी संघर्ष के दौरान दरअसल अपने मंसूबों को भी अंजाम दे रहे हैं। तो जो इस वक्त स्थिति रफा में बनी हुई है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ख़ास तौर पर आप देखिए तो रफा में जो हमले को अंजाम दिया जा रहा है उसमें न सिर्फ फाइटर जेट्स बॉम्बिंग, बल्कि इसके अलावा जो टैंक रेजिमेंट है उसका भारी पैमाने पर IDF इस्तेमाल कर रहा है। और रफा में इसराइल की सेना को दरअसल इस जंग से डाइवर्ट करने के लिए हिजबुल्ला की कोशिशें भी लेबनान की तरफ से देखी जा रही है। जिस तरह से हिजबुल्ला अपने स्ट्राइक के जरिए दरअसल इसराइल के अलग अलग इलाकों में टारगेट कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वो भी समय दूर नहीं जब लेबनान बॉर्डर पर इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है हिजबुल्ला खड़ा करेगा, जैसा कि नसरुल्ला ने अपने दावे में किया है। और इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है कि इसराइल किसी भी वक्त हिजबुल्ला की तरफ से ऐसे हमले झेलने के लिए तैयार रहे जो उसने कभी पिछले 7 से 8 महीने के जंग में नहीं झेला है। तो टू फ्रंट वॉर की स्थिति अभी बनी रही थी, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्ला। इस बीच में इजिप्ट का आना अपने आप में बता रहा है कि दरअसल ये वॉर क्या मोड़ ले सकता है, किस तरह का खूनी टर्न ले सकता है। इस वक्त जो आंकड़े हैं, दरअसल अगर हम हमास के हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा को देखें तो 36,000 से ज़्यादा लोग पिछले 7 से 8 महीने के इस जंग में मारे जा चुके हैं, लाखों लोग देखें तो दरअसल घायल हैं जिनको समुचित इलाज नहीं मिल रहा, और तकरीबन मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि इस वक्त शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं, जिनको पता नहीं कि आज रात उनकी ज़िंदगी रहेगी या फिर कल का सूरज वो देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो इस हालात के बीच इस वक्त हम देख रहे हैं कि रफा जूझ रहा है, क्योंकि हम देखें तो ख़ास तौर पे जैसे जैसे गजा में इसराइल के हमले बढ़ते रह गए, लोगों की संख्या रफा की तरफ कंसनट्रेट होती गई, यहीं इजिप्ट का बॉर्डर मिलता है, यहीं एक तरफ से लाइफ लाइन है, और यहाँ पर लोगों की संख्या तकरीबन माना जा रहा था कि 15 लाख की हो गई थी जब रफा पर इसराइल ने हमले का ऐलान किया। और उस हमले के ठीक बात देखें तो स्थितियां बेहद बिखर दिखाई दे रही हैं। दरअसल इसराइल के लिए इस वक्त का समय इसलिए मुफीद माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से रईसी की जान जाने के बाद ईरान खुद अपने राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, इस बीच हमास या हिजबुल्ला को जो गॉडफादर के तौर पर ईरान मदद पहुंचा रहा था वो मदद इस वक्त की स्थिति में शायद उसे उस तरह से न मिल सके। और इसी स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए नेतन्याहू ने इस पूरे हमले के प्लान को अंजाम दिया है, और इसलिए अमेरिका का दबाव एक तरफ, यूएन का दबाव एक तरफ, फ्रांस सहित कई देशों ने इसराइल के ऊपर दरअसल दबाव बनाया है कि रफा में हमले को रोके, क्योंकि वहाँ पर मानवाधिकार का भारी हनन हो रहा है, वहाँ पर लोग
खास तौर पर निर्दोष लोगों की जान जा रही है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं वो इस हमले की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि रफा का मतलब क्या है, रफा दरअसल क्यों इसराइल के आंखों का सबसे बड़ा इस वक्त देखें तो नासूर बन चुका है, और क्यों दरअसल रफा की जंग को जल्द से जल्द चाहता है इसराइल कि समेट दिया जाए, और IDF इसके लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। दरअसल अगर आप रफा के पूरे ही इस मैप को देखें तो आपको दिखाई देगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इजरायली सैनिकों के रफा में प्रवेश किए बिना हमास के खिलाफ जीतना असंभव होगा, तो इसलिए कहा था क्योंकि जो अल कासिम ब्रिगेड का समूचा नेटवर्क है वो रफा में है, और यहाँ पर जो भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति है वो हमास को काफ़ी सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ आप देखें तो गाजा पट्टी का जो लगभग 41 किलोमीटर का ये जो संकीर्ण इलाका आपको दिखाई देता है, जो एक तरफ पूर्वी तट पर भूमध्य सागर से लगता है, उत्तर पूर्व में इसराइल से घिरा हुआ है, वहीं दक्षिण में इसकी सीमा मिस्र से लड़ती है, तो ये पूरा ऐसा जोन है जहाँ पर दरअसल हमास ने इजिप्ट के साथ अपने टेल नेटवर्क के जरिए अपनी पूरी सप्लाई लाइन बिछा रखी थी। दूसरी तरफ आप भूमध्य सागर में देखें तो वहाँ से नेवल शिप्स जो हैं वो हमास के लिए लाइफ लाइन थे, जो ईरान से डायरेक्ट आ रहे थे, हुती उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, और ये इलाका सबसे ज़्यादा हमास का गढ़ रहा है जिसे जीते बिना इसराइल किसी भी कीमत पर ना अपने बंधक निकाल सकता है और ना ही हमास को निस्तनाबूद कर सकता है। तो आप देखिए तो आसान भाषा में कहें तो रफा शहर गाजा पट्टी को एक तरफ मिस्र से विभाजित करता है, और गाजा में रहने वाले जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो तीन प्रमुख निकासी द्वार से जुड़े हुए हैं, जहाँ एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ इजिप्ट है, और तीसरी तरफ आप देखें तो इसराइल का इलाका पड़ता है। वहीं आप अगर गाजा के दक्षिण में करीम अबू सलेम क्रॉसिंग को देखें तो ये इरेज क्रॉसिंग जो है उस पर इसराइल का नियंत्रण है। वहीं राफा एक समूचे हिस्से में अगर मैप पे आप देखें तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो इजिप्ट की तरफ आता है, जहां पर पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, विशाल क्षेत्र है, और इस पर एक मिस्र का नियंत्रण भी आपको दिखाई देता है, और राफा शहर पर इसराइल का सीधा नियंत्रण नहीं है जिसे कायम करने के लिए IDF इस जंग को इस कदर अंजाम दे रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो जो सलेम पॉइंट है गाजा का, करीम अबू सलेम, उसके अलावा जो तीसरा क्रॉसिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे ऐसे जंक्शन हैं जहां पर इसराइल की सेना आपको दिख रही है और पूरी तरह से इसको पाट चुकी है। जो लाइफ लाइन है रफा का दरअसल इजिप्ट से जुड़ा हुआ, उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लेकर इजिप्ट से काट कर इसराइल की सेना कोशिश कर रही है कि रसद, पानी, खाना, सारा सप्लाई लाइन, सारा सप्लाई चेन जो है रफा में जो लोग हैं दरअसल वहां के, उनके लिए बंद कर दिया जाए, और ऐसी स्थिति में हमास के पास जो सप्लाई लाइन कटेगी कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा सिवाय IDF से लड़ने के, इसराइल से लड़ने के। यानी दरअसल इस स्ट्रेटजी के तहत इसराइल चाहता है कि जो हमास है, जो कि छुपा हुआ है अपने टनल नेटवर्क में, उसको किसी भी कीमत पर बाहर लाया जाए और जंग के मैदान में आमना सामना हो, भारी क्षति हमास को पहुंचाया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा खमियाजा कोई भुगत रहा है तो आम आवाम जो कि इस जंग में फंसी हुई है, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जिनके लिए विस्थापन का संकट तो है ही, हमले के बीच वो जल रहे हैं। जिस तरह के विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमले से लगी आग और एक तरह से देखा जाए पूरा दबानल जिसमें मानवता पूरी तरह से जलती आपको दिखाई दे रही है, तो ये समूचा इस वक्त रफा का इलाका है, गाजा का इलाका है, जिसे समेट कर जिस तरह से हम देखें तो दरअसल IDF इस वक्त खड़ा है। वो अपने मंसूबे को तो कामयाब करना चाहता है, लेकिन इसका कितना बड़ा भुगतान दरअसल रफा के क्षेत्र में जो लोग अपना ठिकाना बनाए थे उनको भुगतना पड़ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मसले का हल किस तरह से निकाल पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल रफा में जिस तरह के संकट के बादल हैं वो बेहद गहरे हैं, बेहद घने हैं। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही, आगे से जुड़ी और जानकारी आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे